हेलो स्टूडेंट्स, आई गिव यू सम डिविजन्स वर्ड प्रॉब्लम्स टू सॉल्व. होप यू ऑल हैव सॉल्व देम प्रॉपरली. नाउ टुडे आई एम प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशंस ऑफ दीज क्वेश्चंस व्हिच आई गिव यू. लेट्स रीड इट आउट द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन आई विल गिव यू द सॉल्यूशन. सो हियर वी स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. फाइव बसेस कैरी 950 पीपल. इन फाइव बसेस number of people were 950, so they asking how many people can travel in each bus. So in single bus how many people can travel. So for this what we will do, solution: 950 people divided by 5 buses. 950 people will be divided by 950 will be divided by 5. So here is the division: 950, then 5. 5 in 9 does 5 comes? In 5 does 9 comes? Yes. At once, 9 doesn't comes. So at once we will write 5. Now subtract this 4. Bring down the next digit, that is 5. Now in the 5's table does 45 comes? Yes. At 9. So 9 5s are 45. Now subtract this, you got 0. Bring this 0 down, so 0 comes 0 times. So we have put the 0 and here also 0. So the answer remainder is also 0. Now you got 190. What is this? This is the number of people who can travel in each bus. इट मीन्स एक बस में 190 लोग ट्रैवल कर सकते हैं, जबकि हमें दे रखा था 950 लोग 5 बसेस में ट्रैवल कर सकते हैं. तो हमें एक बस का निकालना था, जो हम निकालना है 9190 पीपल कैन ट्रैवल इन ईच बस. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन. 484 चिल्ड्रंस आर स्टैंडिंग इन 4 लाइन्स. हाउ मैनी चिल्ड्रंस आर देयर इन ईच लाइन. 4 लाइन्स में 484 लोग खड़े हैं, तो एक लाइन में कितने लोग खड़े होंगे. अगेन वी हैव टू डिवाइड. चिल्ड्रन, टोटल चिल्ड्रन वर 484, दे आर स्टैंडिंग इन 4 लाइन्स. इफ वी विल डिवाइड देम वी विल गेट इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन लाइन. इन वन लाइन हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल स्टैंड, वी विल गेट दैट. सो हाउ 484 divided by 4. 4 ones are 4. Subtract it 0. Now 8. How many times? 2 times. 4 twos are 8. Now subtract this again 0. 4 ones are 4. Again subtract this 0. So what is the quotient? That is 121. Which means that 121 children are standing in each line. हर लाइन में 121 बच्चे खड़े हैं. हाउ मेनी 121 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन ईच लाइन. हर लाइन में 121 बच्चे खड़े हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ मदर डिस्ट्रीब्यूटेड 960 इक्वली अमॉन्ग हर 4 चिल्ड्रन. हाउ मेनी रुपीज डिड ईच चाइल्ड गेट. एक माँ ने 960 रुपये अपने 4 बच्चों के बीच में डिवाइड किए, तो एक बच्चे को कितने रुपए मिले, हमें ये पूछा गया है. सो हियर इज द आंसर. रुपीज़ 960 डिवाइडेड बाय 4 चिल्ड्रन. 4 बच्चे थे, 4 बच्चों में डिवाइड हुआ. लाइक 50 टॉफीज आर देयर, यू दे हैव बीन डिवाइडेड इन 4 स्टूडेंट्स. सो हाउ मच ईच चिल्ड्रन विल गेट इज द सेम थिंग वी हैव टू डू हेयर. नाउ 4 डिवाइडेड बाय 960. 4 2's are 8, because 9 doesn't come, so we will take the smaller digit. So 8 minus 9 minus 8, that is 1. Now bring the next digit, that is 6. Does 16 comes in 4's table? Yes, at 4. 4 4's are 16. We got 16, so subtract this, we got minus. Again bring the 0 down. What we will get? 0 comes 0 times. So we wrote the 0 here also and we subtract it as a 0. So on remainder is 0. What is the quotient? 240. 240 is a quotient. So each child got rupees
240। हर बच्चे को कितने रुपए मिले? 240 रुपए हर बच्चे को मिला। उसने पूछा था हमसे कि चार बच्चों के बीच में उसने 960 रुपए 960 रुपीस इसने डिस्ट्रीब्यूट किए चार बच्चों के बीच में, तो एक बच्चे को कितना मिला? हमने लिख दिया ईच चाइल्ड गॉट 250 रुपीस। थ्री सिक्सटी नाइन मैंगोज वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग नाइन बॉयज, सो हाउ मैनी मैंगोज डिड ईच बॉय गेट? 369 मैंगोज डिस्ट्रीब्यूट हुए नाइन बॉयज के बीच में, तो एक बॉय को कितने मिले? सो वॉट वी विल डू, 369 मैंगोज डिवाइडेड बाई नाइन बॉयज, सो वी हैव डन द डिविजन हेयर, नाइन, थ्री डजन कम, सो वी विल थ्री स्मॉलर देन नाइन, सो वी विल टेक टू डिजिट्स 36। डज 36 कम्स इन नाइन टेबल? येस, नाइन फोजा 36। So we have subtracted and written 4 over here. Now we will bring the 9 digit 9 below. 9 ones are 9. So the remainder is 0 and the quotient is 41. So 41 mangoes were distributed to each boy. 41 mangoes were distributed to each boy. Har bacche ko 49 mango, har boy ko 49 mangoes mile. This is all from the division topic. Now in the next topic, students, we will study about fractions. So hope you have got all the things. Just try the questions which I am giving you on time. This will help you to learn.